देवी देवमुपागम्यं नीलकंठं सदाशिवं कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरं धनादाश धनानां सद्य सुलभ साधनं योगक्षेमकरं प्रोक्तं सत्यं मे वचनं यथा। अर्थात भगवान शंकर से माता पार्वती ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मनुष्य लोगों के धन आदि की समस्या के निवारण के लिए शीघ्र धन प्राप्ति और गुप्त धन आदि के मार्ग खोलने हेतु कोई ऐसा साधना मार्ग बताइए जिससे धन आदि की समस्या, रुपया पैसे की समस्या लोगों की दूर हो सके और उनके घर में धन आदि का आगमन हो, उनके व्यापार में वृद्धि हो, धन आदि की वृद्धि हो। इस प्रकार से भगवान के प्रार्थना करने पर महादेव ने धंधा यक्षिणी स्तोत्र और धंधा यक्षिणी साधना उनको बताए और इस प्रकार से ध्यान किया गया। ओम हेम प्राकार मध्ये सुरविटपितले रत्नपीठाधिरूढां यक्षिणीं बालां स्मरामः परिमलकुशोद्भा सिधं मे लभाराम। इस प्रकार से देवी के ध्यान को बोलने के पश्चात धंधा यक्षिणी की साधना की जाती है जिसके ऋषि कुबेर है और इसमें छंद पंक्ति का है और देवता धनेश्वरी है, धम बीज है, श्रीम किलक है और धनेश्वरी प्रसाद सिद्धिर्थे और दारिद्र नाशाय, दारिद्र के नाश के लिए साधना की जाती है जिसे कि धंधा यक्षिणी साधना कहा जाता है। धंधा यक्षिणी साधना करने से व्यापार में आ रही रुकावट दूर होती है और अगर जिस व्यक्ति के व्यापार नहीं है तो व्यापार शुरू होता है, रोजगार नहीं है तो रोजगार प्रारंभ होता है और रुका हुआ पैसा आदि प्राप्त करने हेतु, गुप्त गड़ा हुआ धन प्राप्त करने हेतु और इसके अलावा हर प्रकार के धन की जो भी समस्या है वो सब प्रकार से धन आगमन के लक्ष्मी के रास्ते खोलने वाली यह धंधा यक्षिणी तंत्र साधना का एक विशेष मार्ग है और ये बड़ी ही सरल और सुगम्य साधना है और एकांत स्थान में बैठ करके इसके मंत्र का जप किया जाता है और गुप्त रूप से एकांत कक्ष में बैठ करके किसी भी शुक्रवार की रात्रि से इस साधना को आरंभ किया जा सकता है। साधना की सामग्री में धंधा यक्षिणी यंत्र, माला और गुटिका रहता है। यंत्र सामने स्थापित हो जाता है। यंत्र को चावल के अष्टदल बना करके उसके ऊपर स्थापित किया जाता है और उसके पास में गुटिका स्थापित की जाती है। तत्पश्चात अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप किया जाता है जैसे कि धंधा रतिप्रिया यक्षिणी मंत्र कहा जाता है और विशेष रूप से यह साधना रात्रिकालीन है इसलिए इसका जप रात्रिकाल में होता है। पुरुष और महिला दोनों ये साधना संपन्न कर सकते हैं। हर प्रकार के धन की समस्या के लिए और हर प्रकार के धन की प्राप्ति हेतु ये साधना की जाती है और ये बिल्कुल शंकर भगवान द्वारा स्पष्ट है कि साधना करने से धन प्राप्त होता ही है। अब वो चाहे कहीं से भी आएगा मगर धन प्राप्त जरूर होगा। इसलिए एकांत कक्ष में नियत स्थान पर बैठ करके और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में रात्रिकाल के 9 बजे के पश्चात कभी भी बैठ करके और अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें और वस्त्र पीताम्बर धोती, महिलाएं साड़ी इस्तेमाल कर सकती है, दूल्हे वस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं और कक्ष साफ सुथरा हो, खाली हो और अपने सामने यंत्र स्थापित करें और गुटिका स्थापित करें। तत्पश्चात शुद्ध तेल का दीपक लगा करके और उसके पश्चात में देवी का ध्यान बोलना चाहिए और देवी का ध्यान बोलने के पश्चात में कुमकुम, अक्षत, चावल, पुष्प इत्यादि पंचोपचार चीज़ों से पूजन करने के पश्चात में, यंत्र का पूजन करने के पश्चात में यह मंत्र जप आरंभ करना चाहिए और कम से कम 1.25 घंटा नित्य मंत्र जप अनिवार्य है। 21 दिन की साधना है और साधना के दौरान अवश्य ही अर्धरात्रि की वेला में देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। कई तरह की बातों से यह साधक को सूचित भी करती है और हर प्रकार से जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता जाता है वैसे वैसे ही उसकी समस्याओं का निदान होता चला जाता है।
और धन आगमन की समस्याएं दूर होती है, चाहे रुका हुआ धन है, रुका हुआ पैसा है, चाहे हर प्रकार से कोई भी प्रकार की धन की समस्या है, तो वो इससे अवश्य ही दूर हो जाती है, क्योंकि यह स्पष्ट वचनों में भगवान शंकर द्वारा कहा गया है। और सच्चे मन और श्रद्धा के साथ में जो धनदा यक्षिणी की उपासना करेगा, उसके जीवन में उसके साथ पीढ़ियों तक भी धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। जो कि ये साधना संपन्न कर लेता है, उस साधक के बारे में इतना कहा गया है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये साधना कितने दिव्य और अलौकिक है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम रम श्रीम ह्रीम धन धनदे रतिप्रिये स्वाहा। यह देवी का सुफला और सर्व सुखामय मंत्र है, जिससे हर प्रकार का अभिष्ट प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और पूर्ववत जो ध्यान देवी का मैंने बताया है, उसी प्रकार से देवी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम हेम पराकार मध्ये सूरपीठ पीतले रक्तपीढ़ाधिरूढ़ाम ध्यायताम लक्ष्मीम्बे परिमलकुशोभा सीधमिलाभाराम पीणोतुंगस्तनाढ़्यां कुवलनयनां रंतकांचीं कराभ्यां भ्राम्यद्रक्तोत्पलाभ्यां नवरविवसनां रक्तभूषां गरागां। इस प्रकार से देवी का ध्यान बोलने के पश्चात में उनको साष्टांग प्रणाम करें, घी का या तेल का, शुद्ध तेल का दीपक या शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, और उसके पश्चात में पंचोपचार पूजन करके ये साधना आरंभ करें। साधना सामग्री अपने गुरु से ही प्राप्त करें और शुक्रवार से साधना आरंभ करें। किसी भी शुक्रवार से साधना आरंभ करें और 11-21 दिन का संकल्प लेकर के अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप ये साधन करें। अवश्य ही धन आगमन होता है, इसमें संदेह नहीं है। हर प्रकार से यक्षिणी धन देने में सक्षम है और कैसे भी किसी प्रकार से अपने साधक की धन की समस्या दूर करने में वह अग्रगणी हैं। और हर प्रकार के सुख, चाहे भौतिक हो चाहे सांसारिक हो, हर प्रकार के सुख उस साधक को प्राप्त होते हैं जो कि धनदारति प्रिया यक्षिणी की साधना करता है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।